Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Resolution आएगी with a clear. I'm going to send this up. सर, एक डेटा करेक्शन करना चाहता हूँ दानाबुद्धि. जी जी श्योर प्लीज. ये दो मुल्कों में अब इशू नहीं रहा. उसमें एक तो मेजर चेंज आई है. पहले चाइना बॉर्डर शेयर करता था. लद्दाख है 60,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. वहां पे 3 लाख की आबादी है. ये कारगिल सेकंड से शुरू होता है. बिल्कुल सर. कराक्रम से और डाउन साउथ हिमालय तक जाता है. पहले चाइना शेयर करता था बॉर्डर कश्मीर के साथ. लाइन ऑफ कंट्रोल थी. अब हिंदुस्तान ने कहा आप बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हमारे साथ. ये इंटरनेशनल बॉर्डर है. इंटरनेशनल बॉर्डर कार्व आउट कर लेना लाइन ऑफ कंट्रोल से दुनिया के सेकंड सबसे बड़े मुल्क और बहुत बड़ी ताकत एज कंपेयर टू इंडिया उनके साथ. वहां पे तिब्बत का इलाका लगता है. दलाई लामा इंडिया में बैठा है. अक्षायचिन का एरिया लगता है. अगर वहां से कल कुछ प्रॉब्लम अगर वहां प्रॉब्लम शुरू होता है तो दिस वुड बी बिटवीन टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड चाइना. 1 अरब 35 करोड़ एक तरफ और 1 अरब 22 करोड़ एक तरफ. 2.5 अरब आबादी के दरमियान ये इशू खड़ा आके हो गया है. पाकिस्तान उसके अलावा तीसरा है. तो 3 न्यूक्लियर ममालिक का बॉर्डर चेंज कर दिया. लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया ने बना दिया. एक इसलिए आई वॉन्ट ये एंगल कम बात कर रहे हैं. जनरल साहब ने फरमाया है दैट्स वेरी राइटली पॉइंट. आई वुड लाइक टू लीव. आई हैव टू गो. साथ साथ एक मैं छोटा सा कमेंट फिर मेरे भाई यहाँ पे जरूर अपनी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे. ये भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है. जनरल साहब हैज टू लीव. जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस रिमार्क्स एंड प्रेजेंस. क्योंकि 70 साल ये आज तक किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई.